एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि मैं पटना आई हूँ। और तो गाइस, क्यों आई हूँ वो तो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी हम लोग बस रेडी हो गए हैं। बेटा, उसको शूज पहनाओ भाई। ये देखो क्या कर रही है, उसको भी शूज पहने, उसको मालूम चल गया कि सब लोग जाने वाले हैं। ये देखो अपना शूज कैसे पहन रही है। बेटा पहनाया जा रहा बेटा, जाओ पापा पहना दे रहे, जाओ पापा पहना दे रहे, जाओ। और यहाँ पे मेरी बहन रेडी हो चुकी है, ये देखो। हेलो करो सबको। तो यहाँ पे रेडी हो गई है। और आज सबसे बड़ा एक लोचा हो गया, पता है क्या? आज ना मेरा तबीयत खराब हो गया। इसको ऐसे करके देख लें। एक सेकंड, मैं ना इसको ये क्लिप लगा के उसके बाद उस बातें करती हूँ। ये देखिए अपने बहन का मैंने क्लिप लगा दिया है। लिए कैप भी लिए। सो पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरा आँख से लग रहा है आपको, मेरा आज तबीयत खराब हो गया, अंदर से फीवर हो गया है। एंड मेरे को बहुत कुछ हो गया गाइज। मेरा एक हाथ में ना दर्द हो गया, पता नहीं कैसे यहाँ पे दर्द हो गया है। एंड सबसे बड़ी चीज़ आज मुझे मौसम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दे रहे क्या देने। एंड बस वही मेरा तबीयत खराब हो गया है, बट फिर भी प्लान बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आज जाना है, सो जाना है। एक सेकेंड अभी आपको तो गाइस, मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ बाबू के लिए। आप लोग तो जानते हो ना, अगर कहीं भी जाओ, चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, तो बच्चे का सारा खाने का इंतज़ाम करके ही चलना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और बाल में मैंने अभी कॉम नहीं किया है क्योंकि अभी जस्ट मैंने बाल धो के ही आया था। तो मैं सोची ना कि अभी नहीं, गीले बाल में ना मैं कॉम नहीं करती हूँ तो सूख जाएगा, तो थोड़ा सा मैं कॉम कर लूँगी। और यहाँ पर बस मैं दूध ले रही हूँ बाबू के लिए। सो चलिए मिलती हूँ आपको। तो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए हैं और मम्मी चली गई है आगे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ऑलरेडी 3 बज गया दोपहर का। आप लोग तो जानते हो ना, मतलब जितना भी आप जल्दी जल्दी काम करो कहीं जाने से पहले, जबकि आप बाहर जा रहे हो तो उतना लेट हो ही जाता है। तो इसी कारण मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ऊपर से बाबू है, बाबू का भी सारा खाने का मैं लेके जा रही हूँ कि हाँ उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए सोचिए।
तो गाइज ये देखिए, ये है मरीन ड्राइव रिवर और ये बहुत ही सुंदर, ये पुल बहुत ही सुंदर बना है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर बना है। हम लोग का तो प्लान भी बन गया कि यहाँ पे भी आते समय आया जाएगा, बट आते समय देखते हैं। लेकिन बहुत, वाकई में बहुत सुंदर बना है गाइज, एक बार ज़रूर देखने वाला चीज़ तो है और बहुत सुंदर बना है। सो सोचा चलो मैं आप लोगों को थोड़ी सी दिखा दूँ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कार रुक पाए थे चाय पीने के लिए, थोड़ा सा चाय पीने का हम लोगों का मन कर दिया, वो भी इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको हम लोग बोलते हैं चुक्की, चुक्की वाला। और यहाँ बाबू को देखिए, बस कुछ देर के बाद बाबू सो गई थी एंड इसका कंबल आप देख रहे हो ना, कंबल उसी को ओढ़ के सोती है, बिना उसके तो कहीं भी नहीं उसको नींद देनी है, बस उसके शरीर पे वो रहना से ही उसको नींद अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं। इंसल्ट कर रहा है कि गाना नहीं अच्छे से गा पा रही है, तो उसको ही मैं बोलती हूँ गाना एक सुना दे। सुना दो तो फैशन नहीं दिखा सकते हो? अच्छा, क्यों गाना नहीं आता है? ओ समझ गए गाइस, इसको ना थोड़ा सा सॉन्ग आता नहीं है इसलिए। और ये ना थोड़ा सा, ये क्या, उसको तो कुछ गाने ही नहीं आता है, दूसरे का इंसल्ट करने आता है कि नहीं सुझा? तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। और मम्मी को यहाँ पे भूख लग गया है और हम लोग बना के लेके आए सत्तू का पराठा, वैसे क्योंकि रात हो ही जाएगा हम लोगों को जाते जाते तक, आई थिंक 9 बज जाएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आप लोग। इसका रिकॉर्डिंग कर रहा है इसलिए चुप है। तेरा वाला कर रहा है? तेरा मोबाइल से? तो गाइस हम लोग रुके हैं अभी खाना खाने के लिए, तो ये देखिए गाइस, बहुत तेज का भूख लगा था तो सोचे चलो खा लिया जाए उसके बाद चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी और 3 घंटा जाना है। एंड ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था भगवान जी का, तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बहुत सुंदर लग रहा है शंकर भगवान का। चलिए
हाँ कर